असल प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूँ इमरान सना नाजिन जो जो इंतबात का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरत में शिद्दत नजर आ रही है एक तरफ बड़े मियाँ साहब हैं जो ना सिर्फ मियाँ शहबाज शेफ के इकदाम के बायस होने वाले नाराज काकनान को मनाने की कोशिशों में मसरूफ है जबकि दूसरी तरफ बड़े मियाँ साहब ने इलेक्टेबल से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया है सियासी तजिया कारों का कहना है कि मियाँ साहब की इलेक्टेबल से मुलाकातों की बड़ी वजह वोटर पर यकीन का ना होना है मियां नवाज शरीफ को लगता है कि शायद इस बार वोटर वोट को वैसी इज्जत ना दे जैसी मियां साहब चाहते हैं इसलिए वो इलेक्टेबल्स की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि मुश्किल में सीटों की खास तादाद मियां साहब के पास हो उधर बिलावल भुट्टो जरदारी और सबक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक दूसरे से नाराज नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे और नौजवान सियासतदानों को मौका दे जबकि आसिफ अली जरदारी बड़े मियाँ साहब और मौलाना फजलरहमान जैसे बुजुर्ग सियासतदानों का कहना है कि तुजर्बा तजुर्बा होता है जबकि कुछ सियासी नाकदीन का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब गुडकॉप और बैट कॉप खेल रहे हैं बिलावल भुट्टो की तनकीद का मकसद ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है जबकि सबक सदर आसिफ अली जरदारी की तनकीद का मकसद सीनियर पार्टियों को साथ रखने की कोशिश है क्या मामला वाकई ऐसा है या कुछ और ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि नू लीग पीपल्स पार्टी और तहरीक साहब जैसी बड़ी सियासी पार्टियाँ तो हुकूमत बनाने के जोड़ तोड़ में मसरूफ है लेकिन एम के एम जे यू एफ एफ लीग बाप एम पी बी एन पी समेत दीगर जमातों की होगी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटने वाले सियासदान अब की बार भी उतना वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जितना दो हजार अठारह के इंतबात ने हासिल किया क्या एक बार फिर आवाम इन पर एतम करने के लिए तैयार है या नहीं इन्हीं मामला पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने उन्हें खुश आमदीद कहेंगे इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब ने सबसे पहले मैं मंदोखेल साहब आपकी जानेंगा सर इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल आपसे करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े अख्तिलाफ की खबरें आ रही हैं क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आपस में नाराज में आप लोगों के लिए अच्छा मवाद छोड़ गए और अगर बिलावल साहब गए दुबई गए है, तो वो मीडिया ख़बरें नहीं होती आप लोगों के पास इशू बना हैं बाप बेटे का मामला है अगर बाप तो अपने बेटे के बारे में आ, ये है, कहते हैं वाले कहते हैं कि भी उम्र होती है बच्चों की वाले के सामने या वालदा के सामने ही होते हैं उसको इतना हवा बनाने की उसको इतना इशू बनाने की मेरे ख्याल में न जरूरत थी अब जाके दो दिन को हमारी से इस में बनाए जा रहा है आपको ना है। बिलावल साहब या जरदारी साहब आप वहाँ स्पीच करते हुए और फिर उसकी तरदीब भी, भी आ गई है फिर उसकी तस्वीर भी आ गई है। जब बिलावल साहब गए साथ ही पूरे फैमिली के साथ एक तस्वीर भी आ गई है तो मुझे बताओ कि जब एक बात तस्वीर है एक घर में सब रह रहे हैं खुश आ, उसको आप इख्तलाफ करेंगे अच्छा मंदोखेल साहब हवा तो हम नहीं बना रहे ये तो सबक सदर अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद जो है बातें फैलना शुरू हुई हैं उन्होंने ये कहा ये मैंने नहीं कहा आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं हैं आप उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नए वजे अजम बिलावल होंगे लेकिन उनके वाले साहब ये समझते हैं कि वो अभी ट्रेंड नहीं है उनके वाले साहब ये समझते हैं कि तजुर्बा तजुर्बा होता है उनके वाले साहब ये कहते हैं कि थि वो बुज़ुर्ग सियासतदानों के पीछे मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड हो जाएगा इस पर आप क्या कहते हैं आपको कितना अरसा हो गया मीडिया पे सर मुझे तो काफी साल हो गए आपको ये भी काफी नहीं है मुझे तीस साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए अभी भी काफी नहीं है मैं सीख रहा हूं जजेस सीखते हैं इवन की उकला से पूछते हैं फलाना सेक्शन क्या फलाना आर्टिकल क्या है वो भाई सीखना तो सीखता तो इंसान सारी जिंदगी है और अगर एक वालिद ने अपने बच्चे के बारे में कह दिया तो कौन सी बड़ी बात आ गई है यही बच्चा जो वजीर खारजा रह चुका है जिसने पाकिस्तान को सी पेक स्टार्ट करा दिए एफ ई टी एफ से नाम निकलवाए जे एस पी प्लस के लिए राम वार की है दो सालिक से रबे दोबारा शुरू कर दिए एक पोलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है पूरे पार्टी चला रहे हैं और अभी आपने देखा सारी सियासी पार्टी खामोश है बिलावल साहब ने पूरा खैबर पुख्तनख्वा में जल्सों का एक पूरा लेर आपके सामने है बाकी किसी ने किए तो ये मैं फिर भी कहता हूं हम सब सीखते हैं सीखने का मर है मगर एक पार्टी का सरबरा है जिसने यहां तक ये यह सारे की और आपको ये भी पता है यही पार्टी का सरबरा जो माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओं तुम्हारे साथ है शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक की मैशत पे बात कर ले तो ये एक दूसरे से कॉपरेशन एक दूसरे से सीखना मेरे ख्याल में इतने ज्यादा उसको हाइप नहीं करने चाहिए जितने मीडिया उठा रही है। लेकिन हम तो ये समझते हैं हैं कि बिलावल भुट्टो बड़े लेकिन साबिक सदर की की बात से हमें हैरान जरूर हुई है? फिर 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 ये भी बात आप, हो गई आप, थ्री आप, पीस और ना, फोर पीस फोर पीस की भी बात हो गई जिसके बाद ये मिला के ये मसला चल रहा है आपस में ना इधर इधर जाओ इधर ले लो आप आवाम को गुमराह कर रहे हो कि बिलावल साहब मेच्योर नहीं है मेच्योर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा सर मैं मैं तो तो ये ये कह रहा कह? मैं तो ना। समझता ना, हूं हूं कि कि समझता वो समझोर हैं ना 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 बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल अपने अल्फाज आपको वापस लेना चाहिए मेरे चेयरमैन के बारे में इस तरह बात करके वो चौंतीस साल पैंतीस साल की उम्र के हैं और आजकल के अठारह साल के नौजवान भी सब कुछ मेच्योर होता है सब सीखते हैं तो ये मेच्योर का लफ्ज मुना आप ये प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिएगा मैंने तो कहा है कि वो मेच्योर है

आपको पता है माजी में जिस तरह पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई है ए एन पी पे पाबंदी लगा ली है उसने वो बना लिए एम के एम के ऊपर पाबंदी लगाई है तो उसने अपना निशान जो है ना पतंग के हिसाब से कर दिए तो पार्ट से ऐसी पार्टी की स्ट्रेटजी होती है सेफ साइड के लिए ताकि अगर कोई एक पार्टी पे पाबंदी लग जाए दूसरे तो हमारे ये दोनों चल रहे डबल पी डबल पी जो है ना जिसके सरबराह आसफ अलिजारी साहब भाई ये मोहतरमा के टाइम पे बनाता ही है डबल पी डबल पी और ट्रिपल पी का चेयरमैन जो है ना वो बिलावल तो ये ये अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है बड़ा पक्का होता है यकीनन पक्का होता है लेकिन जो है वो कंफ्यूज हो गया है अब वो ये बताए कि वो फोर पीस को सपोर्ट करे या थ्री पीस वालों को आप कंफ्यूज कर रहे हो पिछले 20 साल से यही डबल पी और ट्रिपल पी आ रहा है मैंने कहा ये मोहतरमा के वक्त से ये बना हुआ है और मैंने पिछले दो इलेक्शन लड़े हैं और कोई कंफ्यूज नहीं है हमारा निशान होता है तीर और हमें टिकट देता है डबल पी डबल पी अब आप जिस करो पिछले मर्ता इस तरह तो दोनों पार्टी ने एक निशान लिए पीपल्स पार्टी की जाले या हम उम्मीदवार कोई कंफ्यूज नहीं है आप कंफ्यूजन आप नहीं है Confuse नहीं है नारे तो ये लग रहे होगा पाकिस्तान गया कि अगला वजीर बिलावल भुट्टो होगा तो उन्होंने कहा कि यह तो फैसला भी हुआ ही नहीं ये तो सी में जाके फैसला होगा तो आप किस तरह से नारे लगाते रहे फिर ये सारे देखिए नारे लगाने में कोई पाबंदी नहीं है ना कोई हमें बता सकता है आ, मेरी ख्वाहिश है और पीर पार्टी के हर कारकुन की ख्वाहिश है कि बिलावल भुटो जो है ना वो वजीरजम बन जाए और हम नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि सजाफ्ता होने के बावजूद लंदन में कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ चौथी मरतब वो वजर होगा ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बिलावल जो है ना वजीम बन, बन जाए किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए मेरा भाई बिल्कुल जी कोई एतराज नहीं मैं भी समझ गया देखने वाले भी समझ गया आपके वोटर्स भी समझ गए पंजोता साहब आप सर ये बताइए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन से पहले इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है आने वाले दिनों में बड़े बड़े केसेस लगे हुए हैं कोई रिलीफ मिलता हुआ आप देख रहे हैं आइंदा इलेक्शंस में किस तरह से जा पाएगी तहरीक इंसाफ देखिए बात यह है कि जो के ऊपर केसेस बनाए गए हैं वो सारे आपको पता है कि दफा एक सौ चौतालीस की खिलाफ वर्जी के ऊपर दहशत गर्दी की दफात लगा दी गई कोई वहाँ पर वकील कोयटा में कत्ल होते हैं तो कहते हैं जी आप उनके साथ जो है आपका तलब मंजूब है कभी अलकाद ट्रस्ट केस लेकर आ जाते हैं जिसमें एक पैनी का जो है फायदा ना ने लिया है ना वो उस ड्रीट के अंदर कोई ऐसी एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज शामिल थी वो आप पढ़ें तो सही आप देखें तो सही कि 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजह तौर पर फैसला देकर हुकूमत को ऑर्डर कर, कर दिया है कि वो ट्रांसफर किया जाए तो उसके अंदर इमरान खान का क्या कसूर है इसी तरह अगर तोशाखाना केस देखें तो उन्होंने बड़ा एडमिट किया कि हमने घड़ी जो जिसका जिक्र था कि घड़ी लिया पैसे अदा करके लिए जहाँ पर गाड़ियाँ जायज ही नहीं है वो ली गई और उनको कुछ भी नहीं है आज उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं ये जब अदालत के अंदर पेश होते थे तो उनके ऊपर हमला किया जाता था उनके वर्कर्स के ऊपर तशद किया जाता था शैलिंग की जाती थी उनके ऊपर एफ आई आर दर्ज की जाती हैं और यही आज देख लें कि वो आज लोग लेकर आए हुए थे और चीफ साहब कह रहे थे कि आप अपने जो मोबाइल हैं वो लोगों के बज रहे हैं तो नेक्स्ट जो है इसका ख्याल रखें क्या किसी के ऊपर एफ़ आई आर हुई इलेक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान तरीक मुकम्मल तौर पर तैयारियां उनकी मुकम्मल हैं कैंडिडेट्स के हवाले से बात की जाए तो लेकिन यहां पर मसला यह है कि निकलने की जब के पी में आप देख लें कि गोलियां चलाई गई हैं दो तीन दिन पहले और उससे पहले भी देखेंगे करक में जलसा हुआ तो वहां पर भी आ, हमारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर गोलियां गई और शेरफल मरवा साहब के ऊपर एफ जो वहां पर जलसा करने की कोशिश करता है उसके ऊपर एफ आई जुनेद खान को उठा लिया गया है जो हमारे अमजद साहब हैं सबक एम एन वो हिरासत से उनको जो है वो निकाल कर उनके ऊपर तशद किया जा रहा है तो ये सारी चीजें वहाँ एक एक चीज जोड़ कर ले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सिलसिला मुल्क के अंदर लाकानूनीत और हमारी खातन जो इस वक्त देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ अदालतों की तरफ कि हमें इंसाफ जो है वो दिया जाए कौम की बेटियाँ मुंतजर हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि जो भी पी टी आई के साथ जुड़ा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके केसेस भी ख़त्म हैं वो वहां पर तरीन के साथ मिल जाए अलीम खान के साथ मिल जाए वो नौ मई से भी उसकी बिल्कुल उसको मुबरा है लेकिन सारी चीजों को अगर क्रक्स देखा जाए तो अगर ये ही सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जो पाकिस्तान तरीके सब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ अगर ऐसा ही रवैया किया गया चेयरमैन पीटीआई को ऐसे ही जेल के अंदर बोगस मुकदमों में और इन्हें डिस्कालीफाई बोगस तरीके से झूठे तरीके से करके ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा तो कौन क्यों नहीं इलेक्शन मानेगी ठीक है फिर वैसे ही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप वजी आजम है अच्छा जी मंदोखेल साहब सर आप आप इस बात से इतफाक़ करते हैं पंजौता साहब की वही कह रहे हैं झूठे केसेस हमारी क्यादत पे बनाए गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्या आप इस बात से एग्री करते हैं देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब कम से कम जेल के अंदर बैठ के फेस तो कर रहे हैं मुकदमा का और दूसरी तरफ़ अगर नवाज शरीफ साहब को देख ले तो इसने पाकिस्तान के आइन और कानून के दजय उड़ा दिए एक शख्स सज़ा हो जाता है और फिर शाही प्रोटोकॉल में जाता है साढ़े छः साल बाद आ जाता है अपील भी मंजूर हो जाती है भरी भी होता है फिर सजा हो जाता है फिर शाही प्रोटोकॉल में लंदन चला जाता है फिर वापस आता है पूरा डीआईजी भी उसको सल्यूट करता है नादरा का स्टाफ भी उसे अंगूठे एयरपोर्ट के अंदर लगवाते हैं और हाई कमिश्नर पाकिस्तान का भी उनसे मुलाकातें और मशवरे करता है और फिर वो आज जिस तरह जलूस और बारात के साथ वो उस पर आया था इस्लाम हाई कोर्ट में तो मैं समझ रहा हूँ ये एक अलमिया है और कानून के इलम आ, मैं तो कम से कम इस चीज़ पे शर्मा रहा हूँ कि दुनिया में अगर जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का 139 नंबर पे है तो ये ये इन चीज़ों की वजह से है अदालत को देखना चाहिए अदालत को इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए क्योंकि आइन का आर्टिकल पच्चीस ये होता है या नबी पाक पाकल्लम का आखिरी खुदवा ये फरमाता है कि तमाम इंसान बराबर है तो यहाँ क्या इंसान बराबर है ये जो बकरी चोर है वो तो जेल के अंदर सड़ रहा है और ये महाराजा दो मरतबा सजा हो के शाही प्रोटोकॉल में सऊदी अरब और लंदन चले जाते हैं तो ये है है हमारे मुल्क का ठीक जी मंदोखेल साहब मुझे यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है ब्रेक, ब्रेक और के और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आप दोनों हमारे साथ वेलकम बैक गुफ्तू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अच्छा नहीं मैदर पंजोता साहब सर ये बताइए पाकिस्तान तहरीक साहब तो सियासी तौर पर भी मुश्किल का शिकार है और कानूनी तौर पर भी आठ फरवरी को इलेक्शन होने हैं क्या उससे पहले ये कोर्ट कचहरी वाले मामले से निकल आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आसानी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगी फिर देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना मैं बार बार खान साहब से मुलाकात का हवाला क्यों देता हूँ क्योंकि ये बातें आई रोज हमारी डिस्कस होती हैं ऐसे कैसे लोग बाहर से आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे कि जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर आगे कैसे उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर माना जाएगा अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ इससे बाहर करने के लिए क्योंकि दुनिया जानती है वो जानते हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कंट्रोल करना नामुमकिन है क्योंकि पूरा मुल्क है ना अब आप नज़र आपको ये आ रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जमा दो अगर देखा जाए तो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है उसके अंदर आपने सर्वे करवा कर देख लीजिए आपने अपने जो पेजेस हैं उनके ऊपर पोस्टें लगा कर देख ली आपने सारे मीडिया के ऊपर सर्वे करवा कर देख लिए तमाम नाकाम होने के बाद आपने ये देखा कि आपने इनकार कर दिया कि हमारा वो पेज ही नहीं था जी हमने वो कोई ऐप बनाई नहीं और ना ही हमने ट्वीट किया आप अभी कर लेना लोग निकल रहे हैं मंसूर अगले दिन उन्होंने हमने देखा कि वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे तो उन्होंने कहा जी कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं तो सब ने कहा नहीं इसी तरह से जब से निगरान हुकूमत आई है

उस पर चेयरमैन पीटीआई क्या सोचते हैं क्या वो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई क्या वो वाकई इस इसको एक गलती समझते हैं उस पे उनका क्या है देखिए 9 मई को जो इंसिडेंट हुआ ना जो जलाओ ग्रह हुआ उसके ऊपर खान साहब ने गहरी तश्वीश का इजहार करते हुए उस बात की मजम्मत की यह गलत हुआ है लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं थे और अगर हमारे पांच दस बीस पचास सौ दो सौ लोग थे तो उसकी तहकीकत करवाई जाए कि तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोर मुल्बस करेंगे अगवा करेंगे और उनको कहेंगे कि आप पीटीआई को छोड़ो पहले उसके ऊपर तहकीकत करवा के डिसाइड तो करें कि किसका कसूर है कितना कसूर है और पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने जेल बना दिया तो यह तो कोई नहीं है इसके ऊपर तो कोई नहीं कह रहा इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया क्या उसके ऊपर जो है वो पूरे पाकिस्तान में ऐसा ऐसा हुआ कि पी एम एल एन और सारे इन लोगों को कह दिया जाए कि ठीक है जी अब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है तो जनाब ये इधारों के खिलाफ बातें करते रहे लेकिन लेकिन जिन लोगों ने पंजोता साहब हमला किया वो तो तरीके के थे थे ना ही रहनुमा इन्होंने हमला किया पीटीआई को एक टारगेट किया जा रहा है ठीक है की इधारों के खिलाफ है इधारों के खिलाफ है इमरान खान ने कहा ये इदारे हमारे हैं ये फौज हमारी है और आपने वाज स्पीचेस के अंदर देखा ठीक है ये सिर्फ मनसूब करके क्योंकि उसने सिस्टम को लरकारा है उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है वो करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया वो कहता है वो कह मैंने इन चोरों को है जो वो नहीं छोड़ के केसेस थे आप इनको हुकूमत से पहले देख लें कि इनके एसेट्स क्या है आप इनका रिकॉर्ड देख लें कि आज जो मर्सिडीज गाड़ियां इन्होंने ली पांच पांच लाख में कोई इनसे पूछने वाला नहीं है खान साहब ने कहा है कि जिसके नाम के साथ शरीफ आ जाए ना वो कानून से ऊपर है ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया साहब सर, ये बताइएगा नौ मई को जो वाक उसके बाद जो भी सिचुएशन सामने आई क्या नौ मई के वाकत की कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है आपके ख्याल में नहीं, एक वाक था और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपको फौजी की आदत से अख्तिलाफ हो सकता है आर्मी चीफ से हो सकता है आई एस आई चीफ से हो सकता है मगर जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी जैसे एम एम आलम या कर्नल शेख खान या बहुत सारे हमारे शोदा जिसके मुजस्मे या जिनकी तस्वीरें तस्वीर आवेजाती उनकी बेरोमती करना या जिनाव जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते हैं तो ऐसी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ कि, कि किसी तौर पर ना उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है और मैं तो खुद कहता हूँ और फिर पंजौता साहब से मैं इख्तलाफ़ करूँगा इस हवाले से आ, कि आप इसका मिसाल तो ये है कि आपने अपने घर के दरवाज़े क्यों ताले नहीं किए और न चोर यानी चोर का कोई कसूर नहीं है घर वालों का कसूर है कि उसने ताले क्यों नहीं लगाए बार चौकीदार क्यों नहीं रखा पुलिस वाला क्यों नहीं खड़ा था अरे भाई बात सुनो जो कुछ था लेकिन जो आपने कॉल दी थी आपने लोगों को जो उकसाया था यकीन रिजल्ट देखे मैं आपको बताऊँ कि मैं छोटा सा मैं वर्कर हूँ सियासी हम जब जलसे जुलूस करते हैं तो हमारे जो वर्कर होते हैं वो इतने जोशीले होते हैं तो हमारे जुलूस के रास्ते जो भी गाड़ी आती है उसको जबरदस्ती रोकते हैं रुको 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 तो अक्सर मैं डांटता हूँ अपने लड़कों को ना करें और इतना बड़ा मजुमा आठ हजार दस हजार का या जो भी तादाद ये बता रहे तो वो तो उनको पहले पता होना चाहिए कि पर कंट्रोल में नहीं रहता है ठीक आप सौ आदमी कंट्रोल में रख सकते हो दस हजार कहाँ से रख सकते हो तो मैं समझ रहा हूँ की फिर इनकी लोगों की जो बयाना आ रहे थे उस हवाले से आ, वो बयान फिर किस खाते में हम ले लें तो मैं समझ रहा कि वो अब अफसोसनाक है पंजोता तो साहब तो को हवाले से ये करना चाहिए कि जो मुलजिमान है जिसने जुर्म किया उनको सजा मिलनी चाहिए पंजोता साहब को तो इस बात पे ये कानून के तालब इलम है इनको ये चीज़ को बिल्कुल अच्छा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जेल में गई है फरियाल को जिस तरह से हिरासत में लिया गया वो भी हमने देखा सबक सदर आसिफअली जरदारी भी हिरासत में रहे दीगर कायदीन भी रहे ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ तो जो नौ मई का वाक़ा है पाकिस्तान तहरीक की अला क्यादत और जो आम वर्कर है क्या इसको अलग करके देखना चाहिए या दोनों सेम आपको नजर आएंगे नहीं देखिए कानून की नज़र में ये होता है जो जुर्मदार है जिसके खिलाफ सव, शवायद हो तो वो जुर्म शरीक होता है पीपल्स पार्टी की आप क्या मिसालें दे रहे हो हमारी शहीद जुल्फ़ार अली भुटो को पंजोता साहब एक सीनियर वकील है एक सौ नौ के तहत उसको सजाए मौत दी है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मुकदमा नहीं है मैं दावे के साथ कहता तो हूँ और फिर पाकिस्तान की तारीख में वो पहला मुकदमा था जो हाई कोर्ट में चला था पंजोता साहब वकील है ये मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते एक भी केस जितने भी बड़ा से बड़ा केस हो वो सेशन कोर्ट में चलता है और फिर उसके बाद बीबी शहीद के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने जिस तरह उसको शहीद किया है और जिस तरह सारे जो शवाद डोले गए और ये सारी चीज़ें और फिर उसके बाद न सिर्फ वो था मुर्तज़ा भुटो के साथ शाहनवाज भुटो के साथ ये बहुत सारे पीपल्स पार्टी ने तो कुर्बानी दी अस्सी हज़ार कोड़े हमारे जयालों ने खाए और जेल और इसके दौर में जयालक के दौर में और फिर मुशरफ के दौर में तो बड़े उन्होंने जुल्म बड़ी ज्यादा की है वह हमने तो हमेशा पाकिस्तान कपे का नारा लगाया हमने तो हमेशा पाकिस्तान को आज भी अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो सिंध में कितनी अलीहदगी की तंजीमें हैं जो सिंध को सिंधुद्वैश और फलाना डिंगा ये बनाना चाह रहे हैं अहमदिल्ला पीपल्स पार्टी की वफाक की जमात है जो कि हमेशा उनतों के खिलाफ खड़ी होती है चाहे बलोचिस्तान में हो चाहे सिंध में हो और अल्लाह ना करे कि पंजाब और पुख्तनख्वा में हो पीपल्स पार्टी तो हमेशा वफाक की बात करती है अच्छा पंजौता साहब ये बताइएगा एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन स्ट्रेटजी अब क्या है किस तरह से इलेक्शन में जाना है जो मिसाइल आपने बताया वो अपनी जगह लेकिन चूंकि अब 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन में किस तरह से जाया जाएगा किन लोगों को टिकटें मिलेंगी कौन टिकटें बांटेगा और उससे पहले बीस रोज के अंदर आपने इंटरा पार्टी इलेक्शन भी कराने हैं बल्ले के निशान के साथ जाएंगे फिर आप इलेक्शन में हो सकता है ऐसे या उसके बगैर ही जाना पड़ेगा जितने डिपार्टमेंट्स हैं ना जी सारे इमरान खान साहब के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ हुए हैं आपने इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा कि के पी और पंजाब में उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और यहाँ पर भी वफाक में भी आपने देख लिया कभी सिक्योरिटी का बहाना कभी पैसे नहीं है और मुल्क के अंदर आपने पी एम एल एन को स्पेशली उनके जो सबक़ एम एन ए हैं उनको अरबों के हिसाब से फंड्स दे दिए हल्कों में कि आप जाकर जो है ना ठेकेदारों को दें और आधे जो है ना एक बटा दो करके पैसे कमाएँ और फिर वो इलेक्शन के ऊपर लोगों को ख़रीदें और लोगों को पैसे दें और मुल्क को ऐसी बेकारी कौम को बनाए रखें नंबर टू हमारी पूरी तैयारी है उम्मीदवार कोई कमी नहीं है आ, दूसरे नंबर पर खान साहब पीटीआई कोर कमेटी सारे जो हैं वो बिल्कुल पाइपलाइन में है बिल्कुल किसी तरह से कोई इस हवाले से कोई दुशारी या कोई परेशानी नहीं है नंबर टू आ गई इंटर पार्टी इलेक्शन की बात तो ये मैंने पहले ही इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह दिया कि उसी की एक कड़ी है एक नोटिफिकेशन भी नाइली का निकाला गया था जो ही सजा होती है बगैर नोटिस के बग़ैर कोई उसके अंदर प्रोसेस फॉलो किए जो कि सिक्सटी थ्री वन एच के तहत नाइली नहीं कर सकते और नाइली कर दिए तो ये चीज़ें भी हैं चौथी चीज़ ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो हमारी अदालतें हैं वो इस कॉम को इंसाफ दे सकती हैं और कॉम इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ देख देख रही है क्योंकि पुलिस हो एंटी करप्शन की टीमें हों एफ आई ए या बाकी डिपार्टमेंट नैब ये सारे इस वक्त जो है ना पोलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर हो रही है और टारगेट जो है ना पी टी आई और इमरान खान साहब हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अदालतों को अपना रोल अदा करना होगा तब ही मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं कि फील्ड हमें दी जाए लेवल हम खुद कर लेंगे और आखिर में बात जो इनका कमेंट है वो मैं जरूर उसके ऊपर करना चाहूंगा कि बतौर वकील उन्होंने मुझे कहा कि इनका हक बनता है आ, देखें बात यह है कि इसके ऊपर मैं आपको खान साहब का मौक़ दे देता हूँ ठीक है जी मेरा मौकाफ़ तो इन्हें लगेगा कि शायद ये इस तरह से कह रहे हैं जी तो उन्होंने खान साहब ने ये कहा तो ये इन्होंने मुझे पहले वजीराबाद में मेरे ऊपर हमला किया जुडिशल कम्पलेक्स के ऊपर हमला किया तो इनको पता था कि इनको इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सकता इमरान खान के लोग चाहते हैं तो ये सारी चीज़ जो है ना इन्होंने प्लान की लंदन में प्लान की और ये उसी की एक डील थी कि 9 मई जो है वो वो तो एक दिन था ना जी 9 मई 9 होता या 10 होता या 11 होता तो वो 9 मई को जो मेरी उन्होंने जिस तरह से अगवा किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं गाड़ी में बैठता गया हूँ मुझे पब्लिक के सामने उन्होंने यूं पकड़ा हुआ है डंडे भी मारे मुझे भी जख्मी किया गया जूँ भी मैं गाड़ी में बैठता गया हूँ तो बिल्कुल कहते हैं सर ठीक है आप तो ये सिर्फ बाहर दिखा रहे थे कि लोगों के अंदर उस तरह से एक गुस्सा है थीक लोगों थीक। ने पुराना इतजाज मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर करना था जो कि को सुप्रीम कोर्ट ने भी किया छोटी सी ब्रेक है। पर ना खड़ा करना ये उसी एग्रीमेंट का हिस्सा था जहां पर वो फोर्स खड़ी नहीं की गई जहां पर लोगों को खुलेआम वो दिया गया और लोग इंस्टिगेट कर रहे थे इसी के ऊपर तहकीकत का कहते हैं लेकिन आज तक नहीं करवाई गई ठीक हो गया जी सर एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक लेनी है के के बाद वापस आएंगे क्लियर करेंगे वेलकम बैक गुफ्तू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अच्छा मंदोखील साहब सबको पता है कि अनाउंस हो चुका है आठ फरवरी को इलेक्शन होने हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन इलेक्शन के इनका पर शकुक शुभात का इजहार कर रहे हैं आपको आप यकीन के साथ कह सकते हैं आपको यकीन है कि आठ फरवरी को जाएंगे कोई शकूक व नहीं रह गए अब देखिए का तो कोई इलाज नहीं है अगर पाकिस्तान के सबसे हाइस्ट अदालत में और पाकिस्तान के सबसे बड़े उदे प्रेजिडेंट का और इलेक्शन कमीशन कराने के वाले और ये तीनों एक पेज पे और दस्खत कर दे और तय कर दे आठ फरवरी तो मेरे भाई अगर इसके ऊपर भी मैं शक करूँ तो उसके बाद में किस भी यकीन करूँगा वो तो जगह तो बता दे मुझे इससे हाईएस्ट फोरम तीनों जो है ना तो कोई नहीं है ना ये किसी नीचे लेवल पे होता तो मैं शक शोभा करता इससे बड़े तो है नहीं और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन तो वैसे ही उसूलन छः नवंबर से पहले होना चाहिए नाइन्टी डेज में चलो देर आए दुरुस्त आए हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अभी तीस तारीख को जो तमाम एतराज थे उसके ऊपर जो बहस थी वो हो गई है इलेक्शन कमीशन तीस तारीख को हल्काबंदी ऐलान कर दे और अगले दिन वो शेड्यूल भी ऐलान कर दे लेकिन खुदा का वास्ता इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाह रहा हूं आपकी किसी कानून किसी आईन किसी रूल में नहीं है जब तक आप शेड्यूल अनाउंस नहीं करते हैं, आप किसी तरक्याती काम ट्रांसपरेंट पोस्टिंग पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो आप पिछले दो महीने से पाबंदी लगा के बैठे हो आपने सेवरेज की हमारे लाइने जो जो गटर से उबल रहे गलियां उस पर आपने पाबंदी लगा ली है पानी की बूंद बूंद पे जो मेरे और शेबाश्री साहब कालका है आ, बल्दिया टाउन उसमें आपने पाबंदी लगा दी है आपने जो सैलाब जदगंग के जो मकानात बन रहे हैं बिलावल भुटो जरदारी उसकी फंड पे आपने रुकी है सिंध के तमाम बेरोक्रेसी आपने ट्रांसफर कर दी है आपकी पाबंदी के बावजूद निगरान हुकूमत है और दूसरी तरफ पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है तरक्याती काम भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो अब न्यू लीग के वक्त वो अभी तक मौजूद है तो ये ज्याती है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि इलेक्शन तो हो मगर शफाफ भी हो शफाफ भी नजर आता हो अच्छा इतने महीने हो गए हैं जब से पी टी आई की गवर्नमेंट गई है उसके बाद से हम सुन रहे हैं जमहूरियत खतरे में है और मुल्क स्टेबल नहीं है अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं आपको लगता है कि जिस स्टेबिलिटी की तलाश में हम लोग हैं पूरा मुल्क है वो इन इलेक्शन के बाद मुल्क स्टेबल हो जाएगा देखिए अगर इलेक्शन कमीशन की जो इकदाम है और या जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए दे रहे हैं जिस तरह उनको शाही प्रोटोकॉल दे रहे हैं वजे अजम को प्रोटोकॉल अभी से दे रहे हैं तो ऐसे इलेक्शन को मानेगा कौन यकी दो हजार तेरह में आर ओ का इलेक्शन था पीपल्स पार्टी ने माना दो हजार अट्ठारह में आर टी ए सिस्टम बिठा के फिर भी पीपल्स पार्टी ने माना यह भी आप मान लेंगे हम इसम्बली में तो बैठेंगे मगर मानेंगे नहीं पहले दो इलेक्शन भी माना नहीं है मगर इससे हमने नहीं किया है तो मैं यही कहना चाह रहा हूं चीफ जस्टिस साहब से आपके से कि जब आपने ये सारे बेड़ा उठा लिया है आपने इलेक्शन कमीशन को और सदर पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो आइन के मुताबिक तारीख दे जो कि लेट भी दिया लेकर दिया मगर उसका शफा भी तो होना चाहिए और ये ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और ये जो लेवल प्लेंग फील्ड का बिलावल भुट्टो साहब यह हम सब कह रहे हैं और आपको भी मीडिया वालों को नजर आ रहे होंगे तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे इलेक्शन कराने का फायदा ही कोई नहीं है ठीक है अच्छा पंजोदा साहब आपने कहा था कि आप तो अदालतों की तरफ देख रहे हैं वहाँ से कुछ रिलीफ शायद आपको मिल जाए लेकिन दीगर जमातों के रहनुमाओं के केसेस भी तो चल रहे हैं मियाँ साहब की अपील भी लगी हुई है अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप फिर इसको इस तरह से क्यों कहते हैं कि गैर मामूली रिलीफ दिया जा रहा है उन्हें देखिए बात यह है कि मियाँ साहब की दरख्वास्त जो है वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त के बाद दायर हुई और उनकी अपील बाद में बहाल हुई लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अगस्त के अंदर तोशाखाना केस के अंदर जो है वो दायर की थी जो सजा हुई थी अपील लेकिन वो फिक्स नहीं हुई तो यहाँ से दोहरा मैार तो आपको नज़र आ जाएगा और दूसरे नंबर पर तोशाखाना केस की रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंप्लेंट फाइल की जाए जिसके अंदर ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि इनको नाहल किया जाता है मियाँ वाली सीट से तो आप ये देख लें कि वो जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमने पहले महीने में एक दरख्वास्त दी कि उस दरख्वास को वापस लेने की इजाज़त दी जाए लेकिन आज तक वो हमें वापस लेने की इजाज़त भी नहीं दी गई और आप देख लें कि उस कम्प्लेंट के ऊपर इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो है वो एक मुकम्मल जो है ट्रायल चल कर उन्हें सजा भी होगी और उनकी सजा भी सस्पेंड होगी इतने महीने से वो बेगुनाह कैद है उस मुकदमे के अंदर तो इस तरह का अगर अदालतों का इंसाफ होगा तो फिर जो है वो बंदा किधर जाए बंदा जाता तो अदालतों के पास ही है ना कि हमें इंसाफ मिले और आखिर अदालतें ही बचती हैं कि जिसका दरवाज़ा खड़खटाया जाता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपने देखा कि जिस तरह से उनके घर वालों के ऊपर खान साहब की वाइफ के ऊपर इद्दत के दौरान वो निकाह वाला केस चलाया गया या उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात बनाए गए तो कोई ऐसा बंदा रहा नहीं है पी टी आई का या उनके साथ जुड़ा हुआ उनकी फैमिली का जिनके हवाले से वो ये ना सोचें तो खान साहब की फैमिली या उनके वर्कर्स या उनकी पूरी पार्टी उपर, के ऊपर बेशुमार केसेस बनाए गए हैं आज अडयाला झेल के बार भी हम वहाँ पर आज मिले हैं तो आज उससे पहले बीबी बी साहबा के ऊपर जो है वो एक किराए के जो है वो लाए थे बंदे जिन्होंने नाराबाजी की तो आ, अब घरों तक और खातन तक कीचड़ उछालने तक उनकी मिसेज तक बात पहुंच गई है इकतदार ऐसे नहीं मिलता आपको अवाम की ताकत से आना पड़ेगा आप आवाम की ताकत से आए अवाम आपसे नफरत करती है क्योंकि आपने परफॉर्मेंस नहीं दी आपने जितनी दफा हुकूमत की आपके सोलह महीने आपने कहा कि मुझे तो पहले बताया ना ये कहते हैं जी कि उसको क्यों लाया गया जी मुझे ये बताएं कि आपको क्यों लाया गया है सोलह महीनों में इमरान खान तो अपनी वोट की ताकत से आया और बेहतरीन जा रही थी आपको जब लाया गया तो आपने सताननाज कर दिया मुल्क का अब कहते हैं जी वो शोबाज़ शरीफ तो कामयाब नहीं हुए तो लिहाजा आप नवाज शरीफ जो है ना वो ही मैशत को ठीक कर सकते हैं तो आपने मुल्क को एक्सपेरिमेंट के लिए समझा हुआ है कि जो आएगा एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा तीन अदवार में आजमा चुकी है कॉम आपने जो वादे किए थे जो झूठी कस्में खाई थी वो सब ने देखा है कि आपने सिर्फ अपने पैसे बनाए हैं अपनी जायदादें बनाई हैं अपने अकाउंट बनाए हैं मुल्क का किसी ने कोई जो है आपने नहीं सोचा बड़े हैं वो पाकिस्तान पार्टी भी उस का हिस्सा थी तो इल्जाम तो आप पे लग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई लाया था आप ही बता दें कौन लाया था आपको नहीं, हमने तो पाकिस्तान की आइन की आर्टिकल नाइन्टी फाइव सबसे वन के तहत जो कि आइनी तौर पर जो अदम एतमाद की तहरीक लाया इससे पहले बेनज़ीर भटो शहीद के खिलाफ अदम इतमाद की तहरीक लाया गया नाकाम हो गया शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ लाया था नाकाम हुआ बलूचिस्तान की दो हुकूमतें ख़त्म हो गई इसी अदम तमाने हमने तो कोई गैर आयनी काम नहीं किए आइन के मुताबिक किया लेकिन सवाल ये है कि यह सारी चीज़ें जो आप दूसरी बात सवाल आपका यह था कि शहबाज शरीफ साहब के अम इत्यादी थे बिल्कुल अम इत्यादि थे लेकिन ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब था तमाम अदारों के सरबरा उनके हाथ में तमाम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके हाथ में तमाम जाके जो केयर टेकर थे वो भी उसने बनाए सारे हमारे पास जो वजारत खारजा था उसका मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूँ आपसी पे जो बंद हो चुका था हमने स्टार्ट कराया

और आज भी वो सेनेट में बड़ी लंबी चोरी कर रहा था तो मेरे भाई आपके तो यही दाएं बाएं थे तजर्बा करेंगे पंजोता सब सही कह रहे। यही आपका शहबाज था जिसने सिन के लिए एक टक्के का का काम नहीं किया आज फिर आ रहे कि मैं लड़ूंगा आइए बल्दिया इंतजार कर रहा है आपने के का वादा किया पचास अरब रुपए का मेरा और आपके हल्के का और बिलावल मना कर दिया लेकिन अरब रुपए दिए जोखाव में चले गए सर इस सबके बावजूद जो है, वो के साथ इत कर इलेक्टेबल्स उनके साथ मिल रहे हैं जल्द से वो कर रहे हैं और पोजिशन उनकी मुस्तकम हो रही सियासी तौर पर आपके साथ कोई मिल ही नहीं रहा अच्छा आप इसको सियासी तौर कहते हो अपने दिल पे यात्र बता दो सियासी तौर पर या टेलीफोन पे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं अल्लाह के बंदे आप थोड़ा सा भी थोड़ा सा तो न्यूट्रल बात तो करो ना आपको नहीं पता <laughs> एम क्यूम किसके इशारे पे चलती है आपको नहीं पता नून ये कल का पता ही का नारा लगाएगा पहले तो नारा लगाया था नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों सुन लो नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया कि मुझे क्यों भाई मेरी बात तो पूरा सुनो पूरा जुमला तो सुनो नवाज शरीफ साहब ने पहले नारा लगाया लगा था कि मुझे क्यों निकाला अब देखेंगे कुछ अरसे बाद वो लगा कि मुझे क्यों लाया गया अब देखिए ये नारा लगने वाला है बात ये होता ना पीडीएम की हुकूमत अच्छा, का हिस्सा नहीं थी पीडीएम अलग था देखिए आप, में, आपने कहा ना एमकेएम किसी के इशारे पे आती है मिफता, मिफता तो पीडीएम की हुकूमत में शामिल करने के लिए एमकेएम को राजी तो आपने किया था भाई एमकेएम तो दस मरतबा से पहले भी हमारे इत्यादी रह चुके हैं और आइंदा भी रहेंगे आप देखिए हम जाएंगे वो फौरन मान जाएंगे बात ये होता ना, है ने तो पैंतीस साल में हुकूमत की और पैंतीस साल में रोना है और हमें इख्तियार नहीं मिल रहे चौदह साल गवर्नर रहा है पाकिस्तान की तारीख का वाइद गवर्नर एम का इशरतल इबास साहब और फिर हो, हो रहे हैं साबित आपने बाईस महीने महीने बहुत बहुत शुक्रिया कादिल मंदूखे हमारे साथ मौजूद थे नई महद्र बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है इजाजत दीजिए अल्लाह